नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्जारं नमो लोये सवसाहूरं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम मंगलं कुन्नकुन्नादिवरे ये जगत वीर शुद्ध भावा चमारे त्रिवंदन पूज्य पूर्ण बुद्धिक राज्य नद्य भी समाज प्राश्चन मध्य समक्षित निवास एक सौ सत्तर की शंकर विधान के बीच में जयमाला में ये अध्यात्म चर्चा कैसे आ गई। लोगों को लगता है ये तो अध्यात्म है, ये जयमाला कैसी, ये भक्ति थोड़े है। लेकिन भाई भक्ति के अनेक अंग होते हैं, उनके आकार का अवलोकन भी भक्ति है, गुणों का चिंतन भी भक्ति है, उनकी वचनों का सुनना भी भक्ति है, स्वरूप का विचार करना भी भक्ति है और उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भक्ति है। आकार का अवलोकन करने में भक्ति में विशुद्धता होती है, उससे अधिक विशुद्धता उनके स्वरूप के विचार करने में होती है और उससे अधिक विशुद्धता उनके वचन सुनने में होती है और उससे भी अधिक विशुद्धता निर्मलता परिणामों की उनके वचनों में कहे हुए तत्वों का विचार करने से होती है। और ऐसी विशुद्धता में ये भेद ज्ञान करके स्वानुभव रूपी परमार्थ भक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी परमार्थ भक्ति जीव को मुक्ति का कारण है। जो आप पढ़ रहे थे, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की होना जन्म दोबारा, जिससे दोबारा जन्म धारण न करना पड़े, ऐसी भक्ति केवल उनको उनकी ओर देखने से नहीं होगी। ऐसी भक्ति उनके द्वारा बताए गए अपने स्वरूप की ओर देखने से होगी। तो तीर्थंकर भगवान ने दो तत्व कह दिए, स्वपर जीव अजीव हे उपादे। दूसरी भाषा यहाँ की भाषा में कहें बोलो ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञेय सारा विश्व है, ज्ञेय सारा विश्व है और ज्ञान अकेला आत्मा। ज्ञान को हम स्व कहेंगे और सारे विश्व को ज्ञेय को पर कहें। आप पढ़ते हो स्तुति सकल ज्ञेय, तो जो ज्ञान है वह ज्ञान कैसा है? ज्ञान अपने और पर को जानता हुआ ज्ञान आत्मस्वरूप ही है, इसलिए वह ज्ञान ही ज्ञायक है। ज्ञान ज्ञायक को जानने वाला और ज्ञान को जानने वाला, तो ज्ञान रूप परिणत आत्मा ही ज्ञायक कहलाता है। सकल ज्ञेय ज्ञायक, ज्ञान रूप परिणत आत्मा समस्त विश्व को विश्वरूप और समस्त विश्व से न्यारा अपने को अपने रूप जानने वाला ज्ञान वह वास्तव में ज्ञायक कहलाता है। जो अपना ज्ञायक है, ज्ञाता भी कह देते उसे, जो अपना ज्ञाता होता है वही सबका ज्ञाता होता है, जो अपना ज्ञाता नहीं होता वह सबका भी ज्ञाता नहीं होता। तो ज्ञान की एक विशेषता है, अलौकिक तत्व है। प्रवचन सार जी में ज्ञेय अधिकार और ज्ञान अधिकार दो अधिकार ही कहे पूरी। और ज्ञान के स्वरूप की चर्चा जब अपन विचार करें तो ज्ञान दिव्य तत्व है और ऐसा दिव्य तत्व कुनकुन स्वामी ने स्वयं लिखा कि वह ज्ञान जो विनष्ट हो गई है ऐसी पर्यायों को भी जानता है। बचपन तुम्हारा नहीं रहा और बचपन को आप जानते, भविष्य की पर्याय जो नहीं आई उनको भी जानते और वर्तमान वह जानते। अभी थोड़ी सी एक आंख बंद करो, आंख बंद करने का मतलब इंद्रियों से अपने उपयोग को समेटो और ले चलो अपने इतने छोटे थे
फिर ऐसे खेलते थे, फिर मेरी माँ ऐसे खिलाती थी और ऐसे रूठ जाते थे और पढ़ने में जाते थे, फिर भगाते थे, फिर बीमार हो गए थे, फिर ऐसा हुआ था। मैंने एक पूरी की पूरी रील आपके ज्ञान में है, पर्याय सब चले गए लेकिन ज्ञान नहीं चला गया। कषायों का अभाव होता है लेकिन ज्ञान का अभाव नहीं होता। छह डाला में से ज्ञान की महिमा आप चौथी डाल में से पढ़ लेना, दो लाइनें आप याद रखो यहाँ। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप हो फिर अचल रहा है। ज्ञान आपको रूप हो फिर अचल रहा है। ज्ञान एक बार प्राप्त हो जाए, सम्यक ज्ञान, आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, तो फिर अचल, फिर कभी नहीं नाश होगा। पुण्य के उदय से आज वैभव मिला कल चला जाएगा, शरीर मिला कल चला जाएगा। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है। और बाहर की सामग्री आपको एक बात बिल्कुल पक्की गांठ बांध लेना चाहिए कि बाहर की सामग्री पुण्य उदय से मिलती है, यहाँ नहीं है कहीं नहीं है, यहाँ भी है वहां भी है, जितना उदय है उतना। इसलिए प्रथमान योग के ग्रंथों में आपने स्वाध्याय किया हो तो जगह जगह लिखी है, हे भाई तुम भोगों के पीछे मत भागो, पुण्य करो, पुण्य का संचय करो। अरे भाई कमाने लायक पैसा क्या कमाने लायक धर्म, कमाने से पहले ये सोचना चाहिए कमाने लायक है क्या धर्म, कमाने लायक। आज ही तुम्हारे बोर्ड पर लिखा है क्या, धर्म पाप के उदय में भी शरण होता है और धन वैभव परिवार कुटुंब पुण्य के उदय में भी शरण नहीं होता, क्या करेगा। आपका बहुत पुण्य का उदय है, आप तृष्णा में पड़े हैं, क्या करेगा। कई बार ऐसा होता है खूब व्यापार चल रहा है और व्यापार पूजा नहीं, आपकी माँ कह रही है, बहन कह रही है या पत्नी कह रही है भोजन कर ले, थोड़ी भोजन की पड़ी है अभी नहीं है, अब क्या करे वो बता। अरे ठंडा हो रहा है, हो जाएगा ठंडा, अब बोलो क्या करे। आपको भी भूख लग रही है, भोजन भी तैयार है, भोजन कराने वाला भी करा रहा है और आपकी तृष्णा आपको भटका रही है। अनेकों ऐसे रोग की बीमारी पीड़ा को कौन बांट ले, पैसा क्या करेगा, परिवार क्या करेगा, समाज क्या करेगा। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप हो फिर अचल रहा है। शुद्ध जीव के जानन हारे को ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है, ऐसे ज्ञान का स्वरूप समयसार की 15वीं गाथा के आधार से यहाँ पर कहा। देखो ज्ञानानुभूत ही वास्तव में जैन शासन है, परमार्थ से जिन शासन की शरीर की क्रियाओं का नाम नहीं है। ध्यान रखना जिन शासन का निरूपण दो प्रकार से है, निश्चय से और व्यवहार से। तो निश्चय से ज्ञानानुभूत ही जिन शासन है और व्यवहार से ज्ञानानुभूति होने पर एकदम तो होने या किसी भी ज्ञानानुभूति। ज्ञान का स्वरूप जानने के लिए ज्ञानियों के समीप गए, भगवान का दर्शन किया, उनकी विनय करी, उनके वचन सुने, उनका विचार किया, उसके लिए समय निकाला, दान पुण्य किया। दान पुण्य भी समय के ज्ञान के लिए होता, ज्ञान के लिए भैया अपने ज्ञान के संस्कार पढ़े, अपने को पाठशाला एक होना चाहिए, पाठशाला का एक बढ़िया भवन भी बना, कोई विद्वान आया उसको रोकने के लिए बना, सुंदर बढ़िया भवन और बढ़िया सारी व्यवस्था करो उसको। अब बता ज्ञान के लिए ही तो है दान, दान काय के लिए, ज्ञान के लिए। अब स्वाध्याय होना है या इधर उधर बैठ जाते, एक काम करो बढ़िया स्वाध्याय भवन बना दो, अब वहीं पूजा उसको सर का स्वाध्याय भवन अपना अलग कर लो, वहां बैठो सब तैयार, सीधे आके स्वाध्याय भवन करने लगे, वहां पूजा के स्थान पर पूजा करने लगे। तो ये धर्मायतनों का निर्माण ये दान से होगा, लेकिन बिना ज्ञान के न दान होगा और ज्ञान होने के बिना, यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान हुए बिना दान का परिणाम नहीं होगा। दान हो जाएगा तो उसका ज्ञान तो पहले चाहिए। टोटल मर्जी ज्ञान की महिमा किन शब्दों में कही,
चौथा विकार एक लाइन, प्रथम दुख दूर होने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। मैं कौन हूँ, पर कौन है, मेरा स्वरूप क्या है, पर का स्वरूप क्या है, मेरा हित किस में है, पर का हित किस में है, मेरे हित के उपाय क्या हैं, अहित का कारण क्या है। ये सात तत्व आपा पर में सात तत्व अंतर्गत भी समझ लेना चाहिए। तो ज्ञानानुभूति जिन शासन है, और ज्ञानानुभूति प्राप्त करने के लिए जो भी आप क्रियाएं करते हैं, आते हैं, बैठते हैं, समय निकालते हैं, बीच नहाते, पूजा करते, भक्ति करते हैं, निर्वाणी का स्वाध्याय करते, तत्व की चर्चा करते, उसके लिए दान पुण्य करते हैं, वो सब व्यवहार जिन साधन है। ज्ञानानुभूति जिन साधन हाँ है भैया परमार्थ से, लेकिन परमार्थ के साथ व्यवहार होता है। मंदिर आना ये व्यवहार जिन साधन, हाँ पूजा करना ये व्यवहार जिन साधन, समझ में आया ना, जिनवाणी सुनना ये व्यवहार जिन साधन, पांच पापों का त्याग करना ये व्यवहार जिन साधन, उनके बिना भक्ति नहीं करोगे, भक्ति में मन नहीं लगेगा, स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा, चिंतन करने के लिए समय नहीं लगेगा। परिग्रह का विस्तार मुंडराज कहते हैं दुख का ही विस्तार है, दुख का ही विस्तार। उस दिन यानी कौन सी चर्चा हो रही थी, बड़ा धनी व्यापारी बोला महाराज सच्ची बात है, ज्यादा कमाना पागलपन है, कमा करो और फिर भी नौकर चाकर तो मामला की बी खा लो, अब हम टेंशन में भाव भी जीते रहो और बात बाकी ज्यादा करे तो और किला हो रही किला हो गई, तो अब ज्यादा जायदाद हो भाई रखा करो, बने भाई ऐसा कर लो, बने ऐसा कर लो, भाई रखा बस बस कर ज्यादा कपड़ा हो तो बने समाते रहो। जैसे ज्यादा भोजन करना हमारे लिए पीड़ा का कारण होता है, स्वास्थ्य का कारण नहीं, ऐसे ही ज्यादा कमाना सुख शांति का कारण नहीं है, प्रतिष्ठा का कारण नहीं है, प्रतिष्ठा का भी कारण नहीं, तो कमाने कमाने में लगे रहोगे आप लोग व्यवहार बदल जाओ। बहुत से लोग ऐसे हैं धन पैसा में लगे धार्मिक कार्यों में भी नहीं आ पाते, बड़े बड़े शहरों की तो क्या गांव में ही देख लो, विमान निकल रहा हो गया अपनी दुकान में बैठे, सामने आ गए तो शटर डाल रही ने खड़े हो गए, हो पाए तो हो पाए, नहीं हो पाए तो नहीं हो गए, ऐसे हो गए हो वो, नहीं तो वहां से देख रही आ रही तो कितने ही तो बेचारे अगर खुली है और घिरी है तो ऐसे हाथ जोड़ ले बैठ खड़े हो गए या वहीं से हाथ जोड़ ले, कब से कह रही ले रुपये चिरा के बाद में पहुंच गए, जब जल धारा यहां होने लगी तब आए गए, ये क्या है बता, अब ऐसे जीवों की तुम क्या, अरे भैया ठीक है पैसे ही में लगे का, अब प्रतिष्ठा क्या रही, ध्यान रखना मुंडाज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लग दी, मुंडाज की प्रतिष्ठा भी रत्नत्रय से है और श्रावक की भी प्रतिष्ठा सच्चे गुणों से है, क्षमा मारदा भार्य सत्य सो संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, इसी से जीव की प्रतिष्ठा होती है लोक व्यवहार में श्रावक दशा में भी, और मुंडराज की प्रतिष्ठा उनका ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित है। ज्ञान विश्व का सर्वोत्कृष्ट तत्व है, ज्ञान की आराधना करने वाला जीव उत्कृष्टता की ओर ऊपर की ओर बढ़ता जाता, और ज्ञान की विराधना करके कथायों की ज्वाला में जलने वाला जीव नीचे की ओर जाता। अदो तो ये क्या कहा, जो ज्ञानानुभूति है शुद्धात्म तत्व का अनुभवन, शुद्धात्म ज्ञानमय है और शुद्धात्मा का अनुभवन का हो या ज्ञानानुभूति का, आत्मानुभूति इति ज्ञानानुभूति मूल कला है ना, वह जिन शासन का वेदन है, उस जिन शासन के वेदन में क्या वेदन आता है, काय का वेदन होता है, आनंद का वेदन होता है, इन शासन के वेदन में आनंद का वेदन होता है। अरे एक बार भीतर से विचार तो करो, हम जैन हैं कितना आनंद होता है, आत्मा है उसकी तो बात बहुत अलग है, हमारा धर्म
कैसा बच्चों में तो तुम्हारे गीत ही बना दिया, धर्म मेरा धर्म मेरा धर्म मेरा रे, प्यारा प्यारा लागे जिन धर्म मेरा रे, ऋषभ हुए वीर हुए धर्म मेरा रे। इस धर्म में 24 तीर्थंकर, सारे चक्रवर्ती, नारायण पद नारायण, कैसे कैसे महापुरुष हो गए। घर घर इंद्रादिकों के द्वारा सेवन किया हुआ धर्म हमारा दिन है। सवेरे दर्शन करने गए तो स्तुति पढ़ रहे थे, सुमार श्री जी ने धर्म हमारा प्यारा किसकी सेवा किया करें, तो सेवा धर्म की सेवा कैसे होगी, धर्म की श्रद्धा। समसार जी में इनके अर्थ हैं, दर्शन सहित नित्य ज्ञान और चारित्र साधु सेविये, पर ये तीनों आत्माएं हैं तुम ज्ञान निश्चित रीत से। तो जिन धर्म की सेवा माने जिन धर्म की श्रद्धा, लौकिक में भी किसी की सेवा करना है तो उसके प्रति श्रद्धा हो, ये कह रहे हैं ठीक कह रहे, तब सेवा कर पाओगे। ये तो जो ही का आधार है, सेवा नहीं कर पाओगे आप, अपनी डेढ़ अकल लगाई सेवा नहीं होगी। ये कह रहे हैं सो ठीक ही कह रहे, अपने हित की कह रहे, तब तुम्हारे अंदर में सेवा का भाव होगा, तब आप सेवा कर सकेंगे। तो दर्शन जिन धर्म की सेवा मान जिन धर्म की श्रद्धा, और अंधश्रद्धा नहीं, हमारा धर्म बहुत ऊंचा है, हमारा धर्म बहुत श्रेष्ठ है, हमारे धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। अरे हुए तो वो धर्म का स्वरूप क्या है, सदृष्ट ज्ञान वर्तानि धर्मं धर्मेश्वरा, वितराग भाव का नाम धर्म कहा है। तो उस धर्म का ज्ञान भी होना चाहिए, और फिर तीसरे नंबर पर उस धर्म का आचरण भी होना चाहिए, अंतरंग आचरण भी होना चाहिए और बहिरंग आचरण भी। धर्म के प्रभावना के लिए देखो, धर्म तो बहुत बड़ी चीज है, नीति की प्रभावना के लिए रामचंद्र जी ने, हमने कई बार कहा आपको, सीता जी को निर्दोष जानते हुए भी वनवास दे दिया। जानते थे सीता जी निर्दोष हैं, पूर्णतः निर्दोष हैं, लेकिन तो भी उन्होंने वनवास दे दिया। हमारे कुल की कीर्ति मलिन होती है, प्रजा की परंपरा मलिन होती है, लोग उल्टा दृष्टांत ग्रहण करते हैं। तो हम ये कहते हैं धर्म की प्रभावना के लिए, धर्म की अप्रभावना को बचाने के लिए हम कम से कम लोक निंद कार्यों को छोड़ दें, अन्याय अवक्ष नीति को छोड़े, व्यसनों को छोड़े। रात्रि भोजन से कितनी अप्रभावना होती है, हम आपको कितनी बार कह चुके, अजैन तुम्हें जैन मानने से तैयार नहीं, ये कैसे जैन, हम तो पंडित जी छोटे से जैनों के मोहल्ले में ही रहते, उनके यहां तो ये नहीं होते थे, सब कुछ नहीं होता था, ये कैसे जैन है आजकल, कैसे जैन ही हो गए। माने अजैन जैन धर्म के परमार्थ स्वरूप से अज्ञान लोग भी उन्हें जैन मानने के लिए तैयार है, तुम कैसे जैन हो। डॉक्टर के पास गया, उन्हें तुम जैन, तुम कैसे जैन हो, जैन लोग बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, प्राशुक जल पीते, साफ शुद्ध भोजन करते, सवेरे से अपने पूजा भक्ति, अपने बढ़िया कार्यक्रम उनका, शाम को भक्ति हो रही, हम कौन से कह रहे थे। देखो सबरे ब्लॉकेज खुल जा, जी ब्लॉकेज हो जाते ना, सबरे खुल जाने जब भक्ति करते रहे, सबरे में पसीना आया, सबरे तुम्हारे बास में स्नान की स्वेदन की काव की जरूरत नहीं ना, स्वेदन की स्नान माने जो चिकित्सा के अंग है वे सब अपने आप हो जाए, सबरे व्यायाम हो जाए, सबरे एक्यूप्रेशर हो जाए, जब ये दबेगी ना। अंतर ये है कि ये शरीर के लक्ष्य से नहीं है, परिणाम के लक्ष्य से, इसलिए यहाँ ये सब काम अब बाई प्रोडक्ट साइड का, और मूल चीज है पुण्य परिणाम की विशुद्धि और पुण्य, और वहां जो प्राकृतिक चिकित्सालयों में और उनमें जो करते हैं ये सब काम, वहां शरीर के लक्ष्य है, इसलिए ये काम करते हुए भी पाप बंद होते, और यहाँ ये काम अपने आप होते हैं और पुण्य बंद होते हैं।
आपको कारण टहलने के लिए गए और एक सोच के लिए लोटा लेकर के गए, हिंसा के भय से। व्यवस्था नहीं घर में वो अलग बात है, मजबूरी में, लेकिन हिंसा के बचाने के लिए क्या आगे लोटा लेकर बाहर चले। तो घूमना दोनों का हुआ, लेकिन एक का घूमना अहिंसा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए, और एक का घूमना सवेरे घूमने चले जाते 2-3 किलोमीटर, डॉक्टर ने बताया शरीर के लिए। तो घूमते हुए भी वे पाप बांध रहे हैं और ये घूमने जा रहे हैं पुण्य बांध रहे। आप जल्दी सवेरे उठिए, सवेरे जल्दी उठेंगे और अपने नहा धोकर के तैयार होकर के मंदिर आए, प्रसाद किया, पूजन की, आपके सबरे व्यायाम हो गए, अलग से जरूरत नहीं, अलग से जरूरत ही नहीं है। जैन शासन का व्यवहार संसार में भी दुखी नहीं होने देता। जैन धर्म का सेवन करने वाले दरिद्री नहीं होते। पहले कहा था ना विकलांग नहीं होते, क्यों? उनका सम्यक तो विकलांग नहीं है। ऐसा नहीं है निशंकता नहीं हो, निर्भयता नहीं हो, बात्सल्य नहीं हो, स्थितिकरण नहीं हो, ये 8 अंग होते हैं, पूरे अंग होते हैं, इसलिए वो विकलांग कैसे होंगे? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव, अनंत चतुष्टय के धनी भगवान का उपासक, अपने सहज ज्ञान लक्ष्मी को पहचानने वाला दरिद्री नहीं होता, रोगी नहीं होता। ये शास्त्र में लिखा है सब करना नहीं होगा, दीनहीन नहीं होता। जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक वह मानव तिलका, इंद्रों देवों का इंद्र, मनुष्यों का स्वामी, चक्रवर्ती, मांडली, राजा आदि उत्तम उत्तम कुल में पैदा, श्रेष्ठ विभूतियों से शोभायमान होता। तो ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप क्या है? कि ज्ञान ज्ञान ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञेय रूप नहीं हो जाना। इसका बढ़िया सा दृष्टांत बताओ कि अचेतन दर्पण में भी कोयला झलके तो काला थोड़ी हो गया, सोना झलके तो पीला थोड़ा ही हो गया, पानी झलके तो गीला थोड़ा ही हो गया, अग्नि झलके तो जल थोड़ा ही गया दर्पण। ऐसे ही ज्ञान ज्ञेय पदार्थों को जानते हुए भी ज्ञेय रूप नहीं हो जाता, पर को जानते हुए भी पर नहीं हो जाता, स्व को जानते हुए भी स्वरूप है और पर को जानते हुए भी पर रूप है। एक दृष्टांत इसमें ये दिया कि नमक है, नमक का दृष्टांत है। नमक अकेला हो तो कैसा होता है? खारी, और दाल में होता, और पूरी में होता, सब्जी में होता, और सेव में होता, चाहे किसी के साथ अकेला भी खारी है और सारे व्यंजनों के में मिला हुआ होने पर भी नमक तो खारी ही है। नमक का कोई खारापन अनेक पदार्थों के साथ मिले हुए होने पर भी कहीं नष्ट नहीं होगा, स्वभाव है उसका। ऐसे ही अकेला आत्मा सिद्ध भगवान भी ज्ञाता दृष्टा है आनंदमय, और शरीर में हो गया तो कर्मों के बीच में तो उसे क्या फर्क पड़ता है? खिलौनों का कोई आकार है, शक्कर के खिलौने तो मीठे ही हैं। हंसी की बातें तुम्हें सुनाई थी, छोटे छोटे बच्चे पे खिलौने ले आए अपने यहाँ, वो हाथी घोड़े के खिलौने नहीं लाते दिवाली पर, कंगन वंगन देगी चलो जी ले लो, अच्छी तरह खिलौने ले आए तो दो भैया लड़ पड़े खिलौने की और टूट गया। अब रोते हुए टूट गया के खा ले, कहे टूट जाने पर भी है तो सबका मन का फर्क पड़ेगा। वो टूट जाए फूट जाए जो कुछ भी हो जाए, मीठा तो मीठा है, ऐसे ज्ञायक तो हर स्थिति में ज्ञायक है, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान ज्ञेयों को जानते हुए भी कोई ज्ञेय रूप नहीं होगा। बात बहुत ही पढ़ना भैया, थोड़ा ही बहुत है, समझ में आया? पढ़ना समझना, नहीं समझ में आया तो इन भैया से पूछना, दीदी से पूछना, अपने समझ में आया। ज्ञान का एक अलौकिक तत्व है, चमत्कारी तत्व है ज्ञान का। ज्ञान कई विपत्तियों में आकुलित नहीं होने देता, ज्ञान संपत्तियों में अभिमानी नहीं होने देता। ज्ञान
विपत्तियों में भी क्षुब्ध नहीं होने देता, आकुलित नहीं होने देता, अधीर नहीं होने देता, रोने नहीं देता, रोने से बचाता, और संपत्तियों में भी अभिमानी उद्धत विपरीत नहीं भटकने देता। सबकी रक्षा करने वाला धर्म ही है, ज्ञान ही है, हैं? ज्ञान के बिना और धर्म के बिना बंदूक रक्षा नहीं करनी। तुम बंदूक ली, सामने वाले तो बंदूक लेंगे, तुम बम पटकोगे बेबी बम पटकेंगे, तुम ऊपर से हवाई हमला करोगे तो बेबी हवाई हमला करेंगे। जितने दूर दूर के मारक अस्त्र बनाए अपने शत्रु के लिए, अपने लिए ही तो खतरनाक हो गए भैया, हैं? तुम बना लो तो बेव बना लिए, अब बे वहां तुम यहाँ से बटन दबा सकते तो बेबी वहां से बटन दबा सकते। अब रक्षा करने का एक ही उपाय, दोनों समझ लो और समझौता कर देता है। समझौता माने शांति से रहो। तो भैया स्वाध्याय करो, भगवान की वाणी को सुनो और अपने जीवन को सफल करो, सार्थक करो। भाई एक बात हमेशा ध्यान रखो, भटको मत, भटको मत। वो सेठ की तरह जो दिल्ली में गदर पड़ रहा था और वह अपने बड़ी हवेली में, बड़े भवन में मंदिर था, उन्होंने कि हम भगवान की पूजा छोड़ के कहाँ भटके, हम नहीं भटक रहे, ये लुटेरे आएंगे तो धनी के लुटेरे तो हैं, हमारे तो नहीं। तो उसने धन का ढेर लगा दिया आंगन में और अपने जल भर करके सामग्री बना रहा था पूजा की। तब तक वे लुटेरे आ गए, घुस पड़े, उन्हें भैया देखो रखो, बोले यार हमें पूजा करनी। अभी देख रहे ऐसे कोई आदमी हो तो हम लूटक फिर रहे जी, कह रहे जी ले जा, ऐसा कोई आदमी होता फरिश्ता है ये तो, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी उठाने की। उसने जाकर के अपने सरदार से कहा, सरदार वो ऐसा आदमी पूजा कर रहा है, कह रहा जी रखा, एक आदमी वहीं खड़ा रहा है अपना, कोई लूट ना पाया उसको, सारी दिल्ली लूटने को पड़ गया, ऐसे धर्मात्मा लूट के क्या करो। हम अपने भगवान को छोड़ करके कहाँ जाए, गुरु को छोड़ करके कहाँ जाए, जिनवाणी को छोड़ करके कहाँ जाए, धर्मार्थनों को छोड़ करके कहाँ जाए, माता पिता को छोड़ करके कहाँ जाए। भटको मत, पुण्य से ज्यादा कहीं कुछ नहीं। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो पुण्य करो, भगवान की भक्ति में चित्त लगाओ, लेकिन रूढ़ी की क्रिया से नहीं, परिणामों के समान। ऐसा कोई दुख नहीं है, संकट नहीं है जो तुम भगवान की भक्ति से दूर न हो जा। तुम दरिद्रता की बात करते हो, एक सेठ के घर में किया दारिद्र का दिया, भोजन का ठिकाना भी न था, सांझ समीरा, उस वक्त तुम्हें सेठ ने ध्यान में घिरा, घर उसके में था, बोलो कोई देवता ने नहीं, उसके पुण्य ने कर दिया लक्ष्मी का बतिया। तुम बीमारी की कहते हो, जब राज रोग था हुआ श्रीपाल राज को, मैना सती तब आपको पूजा इलाज को, सत्काल ही सुंदर किया श्रीपाल राज को, वह राज वो छोड़ गया मुक्त राज को। एक भी बताओ संकट विपत्तियां हैं वो भगवंतों की भक्ति से दूर नहीं होने। ये भगवंतों की सेवा करते भक्ति करते हैं, देव भी उनके रक्षक होते हैं। काय पढ़ रहे थे हम पुस्तक अभी तुम्हारी छिंदवाड़ा किया, उसमें स्त्री शिक्षा पीछे थे, कि देखो भाई क्या कहें, जो सीलवान पुरुष होते हैं, सरल संतोषी होते हैं, उनको नाना प्रकार के व्यंतर भूत आदि भी बाधा उत्पन्न नहीं कर पाते। भक्तामर स्तोत्र की जो कथाएं हैं उन कथाओं में आया, एक स्त्री की लड़की थी, वह अपनी सोच के कारण बहुत ईर्ष्या करती थी और कुछ नहीं, सोच तो धर्मात्मा थी, भाई बड़ी स्त्री बाल बच्चा नहीं हुआ, उसे ही ने प्रेरित किया कि दूसरा विवाह कर लो तुम, अब देखो अपने कुल की परंपरा चलेगी, बस एक हो जाएगा ऐसा बच्चा, तो अब उसने जबरन कह करके विवाह कर। अब वो अपने जाकर के धर्म ध्यान करने लगी मंदिर में, और उसको ले भाई तुम अपने पति के साथ रहो, हमें क्या करना, और तो अभी बता ये मंदिर चली आ गई, अब दिन भर आए खाए भी बैठ गई, ये फलाना किया और ऐसा किया, इनके मारे हमारी ऐसी ऐसा कर। तो जब घर गई लड़की
माँ ने पूछा, क्यों बेटा, क्या बात है, दुखी सुस्त क्यों, उदास क्या करें, आपने हमें कैसे घर में पटक दिया और हमारी क्या, वो तो उस स्त्री के साथ, अब वो भी धर्मात्मा था सेठ, वो स्त्री के साथ तत्कर्जा धर्म ध्यान करता था, बिना तो कुछ मतलब ही नहीं है, और हम तो बिल्कुल मर गए, हमें कोई मतलब, हमें को पूछ रहा हुआ। अच्छा, उसी समय एक कापालिक आया, भिक्षुक, माता भिक्षा, तो उसने भिक्षा दे दी। जब भिक्षा दे दी तो उसने पूछा, माता आज तो उदास लग रही है, कि बेटा कोई बात नहीं है, कि नहीं नहीं बता, कि तेरी बहन वहां विवाही है, ऐसा ऐसा है। अच्छा, तो मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। तो उसने अपनी वो जाकर के कपाल स्मशान में कर दी ना जो कुछ भी, तो आया विद्या, क्यों जा तू उसको मार दे, जिनमती को, गई लौट के आ गई, वो धर्मात्मा है, धर्म में लगी है, मुझे नहीं मार सकती। दोबारा फिर आज्ञा दी उसने, जा मार के आ, मैं आज्ञा देता हूं, गई और फिर लौट के आ गई। फिर उसने तीसरी बार को, अच्छा तो उसमें जो दुष्ट हो उसको मार दे, दोनों जा, तो जा करके उस कन्या को मार दे। तो ऐसी अनेकों कथाएं पढ़ी, तो जो शीलवान है, संतोषी है, विनयवान है, भक्त हैं, उनको भूत भयंकर आदि भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। नाना प्रकार की उपद्रव विपत्तियां वहीं आती हैं जहां धर्म नहीं होता। ठीक, शंकरों की पूजा कर रहे हैं, आप विचारना भगवान के समोषण में कोई उपद्रव होते हो, तो जिनके हृदय में भगवान विराजते हैं उनके घर, उनके यहाँ कहां से उपद्रव हो सकते हैं। इसलिए अपने घर में जिनवाणी को विराजमान करो, जिनवाणी का पाठ स्वाध्याय करो, और अपने हृदय में भगवंतों को विराजमान करो, भगवान की आज्ञा मस्तक के ऊपर विराजमान करो। केवलो शासन नायक महावीर भगवान, 170 तीर्थंकर भगवंतों की।